एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। आज है रामनवमी और आज नवरात्रि का जो है लास्ट डे है। तो अभी मैं उठ गई हूँ और मैंने शावर लेने के बाद मैं तैयार भी हो गई हूँ। मैंने यहाँ पर साड़ी पहनी हुई है और बस अभी मैं जल्दी से जा रही हूँ किचन में, और किचन में जाकर मैं बनाऊंगी हलवा चना पूरी, और कन्याओं को जो है पूजन कराना है उसके लिए। और मामी भी उठ गई हैं, तैयार हो गई हैं, वो आलू छील रही हैं सब्जी बनाने के लिए। और घर की क्लीनिंग जो है मैंने कर दी है, तो बस अभी मैं जल्दी से जाती हूँ किचन में और स्टार्ट करती हूँ खाना बनाना। Thank you.
और उसके बाद मैंने और मामी ने आलता लगाया था और मैंने कन्याओं के भी आलता लगाया था, तो मुझे याद आ गया था कि चलो हम लोग भी आलता लगा लेते हैं, नहीं तो फिर बाद में कभी कभी भूल भी जाते हैं। और मैंने अपनी जो है चोटी बना ली है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, सुबह से मैंने कंघी नहीं कर पाई थी, सुबह सर धोया था तो बस ऐसे ही बाल थे मेरे। और उसके बाद अभी बस मैं जा रही हूँ चाय बनाऊँगी, और ये चाय पीने के लिए बोल रहे हैं तो बस अभी हम लोग भी चाय पी लेंगे साथ में। और अभी दो भैया हैं जो पास में रहते हैं, तो अभी जब वो आ जाएंगे तो मैं उनके लिए बस गर्म गर्म पूड़ियाँ सेकूँगी। और हम लोगों ने अभी खाना नहीं खाया है, अभी हम लोगों ने प्रसाद में हलवा और चना खा लिया है, तो बस अभी बाद में जब वो भैया लोग आ जाएंगे तो फिर उसके बाद हम लोग सब लोग साथ में लंच करेंगे। और अभी मैं जाती हूँ जल्दी से चाय बनाती हूँ, और बच्चे भी रेडी हो गए थे, इन्होंने बच्चों के साथ ही हलवा चना पूरी खाया है, तो बस बच्चे खेल रहे हैं और बेटी मेरी यहाँ पर लेटी हुई है और मोबाइल में कुछ कर रही है। हेलो काव्या, क्या कर रही हो? शाम और आज दोपहर को लंच करने के बाद मैं सो गई थी, और इतना गहरी नींद में सो गई थी कि बस अभी थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ। मेरी मम्मी का फ़ोन आ रहा था तो मैं रिंग की आवाज़ से उठ गई थी, और मम्मी से बात करने के बाद मैंने जो है अपनी मदर इन लॉ से भी बात की थी, और उसके बाद काफ़ी देर हो गई थी, अभी थोड़ा अंधेरा भी हो गया है। और बच्चे जो है पार्क जाने के लिए बोल रहे थे, बट अब मैं पार्क नहीं जाऊंगी क्योंकि आज थोड़ी थकान सी है। कल रात को मैं कम सोई थी और सुबह जल्दी उठ गई थी, क्योंकि कल रात में मैं एक वीडियो एडिट कर रही थी, और वीडियो एडिट मैंने रात के 1 बजे तक किया था, और फिर मॉर्निंग में मैं 4 बजे उठ गई थी क्योंकि सुबह मुझे जो है कन्या पूजन करना था, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे थकान थी और नींद भी आ रही थी, तो मैं आज दोपहर में सो गई थी। और बच्चे यहाँ पीछे खेल रहे हैं। क्या कर रही हो काव्य? मंकी की पिटाई कर रही हो? हाँ। नहीं मारो ना, उसके दर्द होगा। और बस अभी मैंने जो है नहाया था, और उसके बाद मैं होती है वो मैंने कर दी है, आप देख सकते हैं। और जो मैंने कलश की स्थापना की थी, तो अभी जब मम्मी से बात हुई थी तो मम्मी ने बताया कि कलश को आज विसर्जित नहीं करना है, आज संडे है, और मंडे को
कलश को विसर्जित करना है, तो मैं कल मॉर्निंग में जब पूजा करूंगी तो फिर कलश को विसर्जित करूंगी, आज नहीं करूंगी। तो इसलिए सब कुछ ऐसे ही रखा हुआ है जैसा हम 9 दिन से पूजा कर रहे हैं, और अभी मैंने आरती कर दी है, तो बस अभी इसके बाद मैं जाऊंगी, देखूंगी आज डिनर में क्या बनेगा, क्योंकि आज 9 दिन से जो व्रत था वो आज खत्म हो गया है और आज हम लोगों ने अन्न खा लिया है। तो अब जो भी खाने का मन होगा तो मैं बस वही बनाऊंगी। और आज ज़्यादा थकान होने की वजह से दोपहर को मैं सो गई थी, तो मैंने वीडियो जो है बीच में कुछ भी शूट नहीं कर पाया है। और आज का ब्लॉग मेरा बस यहीं तक था, और अगर आपको आज का ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, और क्लिक करें बेल आइकन्स पर, जिससे कि आपको मेरे आगे के आने वाले वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। हैवी ब्यूटीफुल डे, बाय बाय, जय माता दी।